गर्मी की छुट्टियां शुरू हो रही हैं। आप सभी बहुत मजे करना। मैं आप सबको एक रोचक अवकाश गृह अभ्यास दे रहा हूँ। क्या है मास्टर जी? आप सबको अलग अलग जीव जंतुओं, पशु पक्षियों की इंद्रियों के बारे में जानकारी एकत्रित करनी है। यह सुनकर सारे बच्चे बहुत उत्साहित हो गए। मैं तो गिलहरी को देखूंगा। मैं तो गाय का निरीक्षण करूंगा, क्योंकि वो तो घर पर ही है। मुझे तो जंगली जानवर देखने हैं। बाबा से बोलूंगा पास वाले जंगल ले चलें। मैं तो सोच कर ही उत्साहित हो रहा हूँ। मीनू और भोलू हेडमास्टर जी के द्वारा दिए हुए अवकाश गृह अभ्यास के बारे में उत्साहित होकर उसी के बारे में बातचीत करते हुए घर की तरफ निकल पड़ते हैं। माँ, बहुत भूख लगी है, जल्दी खाना दे दो। चलो बच्चों, आंगन में पेड़ के नीचे चटाई पर बैठ जाओ, मैं खाना लाती हूँ। मीना और भोलू खाना खाना शुरू करते हैं। अचानक से एक चील उड़ती हुई आती है और भोलू की थाली से रोटी उठा के ले जाती है। अरे देखो दीदी, चील मेरी रोटी उठा ले गई। हाँ भोलू, मैंने देखा। मैं तो डर ही गया, पर दीदी चील को इतने दूर से मेरी थाली में रोटी कैसे दिखी? वह तो कितनी ऊपर उड़ रही थी। हाँ भोलू, पक्षियों की देखने की शक्ति हमसे अधिक तेज होती है। उनकी आंखें स्थिर होती हैं, इसीलिए वह अपनी गर्दन हिलाते हैं। चील एक ऐसा पक्षी है जिसकी देखने की शक्ति इंसानों से 4 गुना ज्यादा होती है। अच्छा, अगली बार चील दिखे तो याद रखना, उसकी देखने की शक्ति इतनी तेज होती है। बच्चों, क्या आप और किसी पक्षी या जानवर के बारे में जानते हैं जिनकी देखने की शक्ति बहुत तेज होती है? अरे भोलू, कितना खाना गिराते हो तुम, देखो कितनी चींटियां इकट्ठी हो गई हैं। हाँ दीदी, जो मिठाई मैंने गिराई थी वे उसको उठाकर ले जा रही हैं। कितनी आश्चर्य की बात है, इन्हें कैसे पता चला कि यहाँ कुछ मीठा गिरा है? भोलू, पता है चींटियों की चखने और सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। उनके पास विशेष श्रृंगिका यानी एंटेना होते हैं, जिनकी मदद से वे भांप लेती हैं कि कहाँ कुछ मीठी चीज गिरी हुई है। अच्छा दीदी, श्रृंगिका, एंटेना। पता है भोलू, चींटियाँ एक विशेष गंध छोड़ती हैं, जिसकी वजह से उनकी समूह की बाकी चींटियाँ उस गंध को सूंघकर एक जगह एकत्र हो जाती हैं, और फिर सारी चींटियाँ मिलकर उस मीठी चीज को उठाकर ले जाती हैं। हाँ देखो दीदी, यह किस प्रकार एक सीधी लाइन बनाकर मिठाई के टुकड़े ले जा रही है। मेरी कक्षा के बच्चे तो कभी इतनी सीधी लाइन बनाकर नहीं चलते। हमें रोज अध्यापिका समझाती है, पर ये चींटियाँ तो कैसे सीधी लाइन में चल रही हैं? तो दोस्तों, बताइए कि चींटी अपने शरीर के किस भाग से पता लगाती है कि खाने की चीज कहाँ गिरी हुई है? देखो दीदी, ये यहाँ जा रही है। हाँ भोलू, यह इस खाने की चीज को यहाँ सुरक्षित एकत्र करती हैं, है ना कितनी मेहनती? हाँ दीदी, कितनी छोटी है पर बहुत समझदार है। मीना और भोलू अपने घर के पास रहने वाले कुत्ते राजा की अच्छे से देखभाल करते हैं। राजा अचानक जोर से भौंकने लगता है। राजा इतनी जोर से क्यों भौंक रहा है? क्या हुआ राजा? कोई नहीं है दीदी, सिर्फ एक अनजान आदमी हमारे घर के सामने से जा रहा था। दीदी, राजा कितना वफादार है ना? वह हमेशा हमारे साथ साथ रहता है, हमारी रक्षा करता है, हर आहट पर भौंक कर हमें चेतावनी देता है, और रात को चौकीदार काका की भी मदद करता है। पता है दीदी, कभी कभी तो चौकीदार काका झपकी लगा लेते हैं,
पर राजा हमेशा चौकन्ना रहता है। हाँ भोलू, राजा बहुत मदद करता है हमारी। दीदी, अगर कोई अनजान आदमी या जानवर हमारे घर के समीप आता है तो राजा को कैसे भनक लग जाती है? भोलू, कुत्तों की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। वह दूर से ही हर महक को पहचान लेते हैं और इसी वजह से कुत्ते अपनी इसी सूंघने की शक्ति के कारण बहुत चतुर माने जाते हैं। अच्छा, तभी राजा उन लोगों पर भौंकता है जिन्हें वो नहीं जानता। हाँ भोलू, कुत्ते हर चीज की गंध को याद रखते हैं। वे जहाँ पेशाब या शौच करते हैं उसकी गंध से वे उस इलाके को निश्चित कर लेते हैं। हाँ, मेरी अध्यापिका ने बताया था कि कुत्ते अपनी सूंघने की शक्ति के कारण पुलिस में भी काम करते हैं।